हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं मेरे दोस्त के पास, जिनके कुछ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी दिक्कत क्या है। क्या हो भाई, ऐसा क्या क्या हो गया सिस्टम पे? यार अंकुर, इस क्या बोलो यार, लैपटॉप में एकदम इरिटेट कर दिया। अरे क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। चलना नया ले ले, देख रहे तो छोटा सा काम नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। नया ले यार, फिर अंकुर लेना तो मुझको नया है भाई, मुझको नया लैपटॉप लेना ही है। लेकिन यार कुछ मुझे बताओ, अच्छा मैं इस तरह का अब नहीं लेना चाहता यार। i5 सीरीज अब नहीं, मुझे i7 की टक्कर का भाई कोई लैपटॉप बताओ। i7 की टक्कर चाहिए। क्या बजट है तेरी? बजट मैं चला जाऊंगा 60 के पार, 70 के पार। 60-70 के करीब से देख। एचपी का आता है, गेमिंग लैपटॉप आता है, वो बोलता हूं वो तू देख एक बार, वो तेरे को पसंद आएगा। और वो i7 की टक्कर का है, एक नंबर का लैपटॉप है। i7 की टक्कर का तो मतलब यार 1-1 लाख के आसपास के आते हैं ना यार। तो मैं ऐसा चीज बताऊंगा तो तुझे तेरे बजट में मिल जाएगी i7 की। भाई यार मुझे बता दे भाई कौन सा लैपटॉप है यार, ये एकदम परेशान हो गया यार। इसको मुझे रखना ही नहीं, इसको लेके हटाओ मुझको। लैपटॉप भाई दिखाओ यार, दिखाओ भाई मुझको लैपटॉप दिखा दे। ठीक है, एक नया लैपटॉप तेरे को एचपी का आता है, राइजन सीरीज का आता है, वो लैपटॉप तू उठा ले, वो तेरे लिए तुझे रिकमेंड करता हूं, वो बढ़िया है, वो उठा ले तू। ठीक भाई, पेश पेश कराओ मेरे सामने, दिखाओ कहां है लैपटॉप, मुझे बताओ फोन में दिखा भाई मेरे को। तो ये रहा लैपटॉप, ये तेरा आ गया लैपटॉप, देख कैसा है। अरे भाई 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 भाई, लैपटॉप तो बड़ा कमाल है यार ये तो, मतलब जादू तो भी जानते हो बाबा। जादू तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये है कि टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है। और तुझे बेस्ट प्राइस में, कोई पता है कितना रेट है इसका? सिर्फ 70,000, 70,000 i7 की टक्कर का है, वो भी गेमिंग लैपटॉप। इस तरह का मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा यार, इतना मान में पीले में। अब देख तेरा काम कैसे स्मूथनेस यू चलेगा। बहुत बढ़िया यार, वो काली 70 का है सिर्फ। हाँ सिर्फ 70,000 का है। बस भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतना तुम बढ़िया लैपटॉप मुझे बता दिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली टेक वीडियोज आप सबसे पहले देख पाएं। तो अभी हम आते हैं लैपटॉप की तरफ। जैसा कि आप लैपटॉप को देख सकते हैं, यहाँ पे HP की ब्रांडिंग दी गई जो इसको एक प्रीमियम लुक दे देता है। और ये बहुत ही प्रीमियम है, इसके जो साइड कॉर्नर्स हैं बहुत ही थिन हैं। और जो इसका वेट है 2 kg है। अगर बात करें पोर्ट्स की, इसमें एक माइक्रो HD कार्ड का पोर्ट मिलता है और 3.5 mm जैक और टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट और एक इथरनेट पोर्ट मिलता है। और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रीमियम लुक है, यहाँ पर पवेलियन लिखा हुआ है। और इसके जो कॉर्नर से बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। अगर दूसरे साइड देखें तो यहाँ पे एक 3.1 का पोर्ट दिया गया है। बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको रबराइज्ड ग्रिप स्टैंड दिए गए हैं, जो इसको होल्ड करने में मदद करते हैं। जैसा कि ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको 2 फैंस मिलते हैं। जब आप एक हैवी टास्क करते हैं जैसा कि गेम होम, तो ये इसको कूल रखता है। अब आते हैं लैपटॉप की तरफ, इसको ओपन हमने कर लिया है और इसके फीचर्स की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। जैसा कि यहाँ पे एक लोगो दिया गया है, यहाँ पे आपको AMD का Ryzen 5 सीरीज का 4600 का प्रोसेसर दिया गया है। और यहाँ पे आप ये जो कीबोर्ड है बहुत ही प्रीमियम है, और ये जब इसको आप प्रेस करते हैं तो एक हैप्टिक फीडबैक देता है। और जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, जैसा कि मैंने इसको टाइप किया, बहुत आसानी से मैं टाइप कर रहा हूँ। और स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। और आवाज़ तो मैं आपको आगे गेम जब खेलूँगा तो आप पता चलेगा कि गेमिंग कैसी है और इसकी आवाज़ कैसी है। जैसा कि ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको 150 वॉट का चार्जर मिलता है। और जो इसका पोर्ट की बात अगर करें तो आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट तो नहीं मिलता, जैसे नॉर्मल चार्जर आते हैं लैपटॉप के वैसा ही आपको यहाँ देखने मिल जाता है। तो लैपटॉप को ऑन करते हैं और देखते हैं ये कितना टाइम लेता है ऑन होने में। तो ये तुरंत ही ऑन हो गया। और अभी पासवर्ड हम लोग इसमें डालते हैं और इसको ओपन करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल HD के रेजोल्यूशन मिलता है। और यहाँ पे जो डे टू डे लाइफ आप इंडोर में, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और इसकी मैं लाइट को और देखिए थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमने लाइट को बढ़ा दिया गया है।
इसके कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे इसमें दो टाइप की लाइट मिलती है, हाई और मीडियम की। आप अपने अनुसार उसको सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। जैसा कि एक गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज की एक डिस्प्ले दी गई है जो गेम को और बहुत ही स्मूथ बना देती है। अगर इसके सीपीयू स्कोर्स की बात करें तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इसमें रन कराया है, जो देखते हैं कि इसका सीपीयू स्कोर क्या आता है निकल कर, और हम वीडियो को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर हम आपको लास्ट में बताते हैं कि इसका जो सीपीयू स्कोर है कैसा है। ये एएमडी का। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 GB की रैम मिलती है और 512 GB की SSD मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और सिस्टम में आपको विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल्ड आता है ये, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि लेटेस्ट आपको सॉफ्टवेयर जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको जो इसकी डिस्प्ले है, बहुत बड़ी डिस्प्ले है, 15.4 इंचेस की डिस्प्ले है, और जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना देता है। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर रन हो चुका है और यहाँ पे स्कोर्स आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कोर्स आया है, i7 जो सीरीज है, 6th जनरेशन को, उससे आपको बेटर ही इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो GPU मिलता है NVIDIA का GTX 1650, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमने यहाँ पे एक गेम भी डाउनलोड किया हुआ है, 80 GB का, 80 GB का है ये, जो आपका आप लोग जानते भी होंगे, GTA 5। और देखते हैं कि जब तक ये गेम स्टार्ट होता है तब तक हम लोग देख लेते हैं कि ये जो गेम है कितना टाइम लेता है। और जो मोस्टली जो पॉपुलर गेम्स हैं, GTA 5 हो गया, PUBG हो गया, यहाँ पे आपको देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे मिलती है, क्या ये स्मूथ और कैसा रन करता है ये गेम। तो क्योंकि गेमिंग प्रोसेसर है तो आपको गेमिंग, तो गेम स्टार्ट होने में इसने टाइम नहीं लिया, गेम ये स्टार्ट हो गया है, तो चलिए गेम खेलते हैं। GTA 5 मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है, ये मैंने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले हैं, जिसमें से ये भी एक है। और जैसे कि आप अगर गेम में देखते हैं कि जो इसका जो फ्रेम्स है बहुत अच्छे हैं, कि कोई लैग एंड नहीं देखने को मिल रहा, इसका मतलब कि गेम की जो परफॉर्मेंस है, ये इसका GPU बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। हम हैं जैसा कि एक गेमिंग लैपटॉप है, आप इसकी आवाज़ तो सुन ही सकते हैं कि बहुत ही क्लियर, उसके स्टैंड क्लियर है, तो इसकी ऑडियो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया है। अभी इसका एक्सीडेंट भी दिखाता है, बहुत डिटेल्स है भाई इस गेम में, जगह बहुत अच्छी है। इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस को मापने के लिए हमने इस गेम में चीट कोड यूज किया है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को सही से आंक सकें। चार लोग मरे हैं। हाँ भाई, बहुत एक नंबर। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मार डाले, पेन किलर लगाते ना तो गॉड बन जाते हैं। क्या वो लग गई क्या? ये मर नहीं रहा। मैं गॉड हूँ ना बीच में। कितने मिनट है? 5 मिनट के लिए। पहले सोचो, उसमें जब लगाते थे तो कुछ नहीं होता था ना,
देख रहा है, सिर्फ सलमान हीरो ही है, बॉलीवुड का हीरो है। अरे हेलीकॉप्टर गिर गए क्या? ओफ, हम स्नाइपर निकाले थे अभी अपने लिए। स्वैट एक्टिंग है ना ये, कौन है ये? एक लैग नहीं हो रहा कहीं पे भी, देख रहा है कोई? रॉकेट डालो यार, वही मेरी गाड़ी टूट डाले। अरे गलत गलत मैंने एंगल ही गलत ले लिया, पंचर ना कर दे मेरी गाड़ी को, पंचर कर दी मेरी गाड़ी। ओ भाई साहब, एक्सीडेंट नहीं देखे तुम मेरा? अमीर तो ही नहीं। हाँ हाँ मार। हरीश और मर गया, गॉड मोड खराब, 5 मिनट लगता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो किसी और को भी काम आए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।